शहर के अलकापुर स्थित प्रोडक्टिविटी रोड पर ड्रेनेज में बायोगैस के प्रेशर दबाव के कारण भेदी और भीषण आग लगते हुए स्थानीय विस्तार में भारी अफरा तफरी और भगदड़ का माहौल पैदा हुआ था। जो ये गैस दबाव के कारण ढक्कन भी हवा में उछलने के साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा था। वडोदरा शहर में अब धीमे धीमे तेज बन रही गर्मी के बीच भेदी और भीषण आग लगने की घटनाएं प्रकाश में आ रही है। शहर के अलकापुरी प्रोडक्टिविटी रोड हवेली के मुख्य मार्ग पर ड्रेनेज लाइन में बायो गैस पैदा होते हुए भारी धमाके के साथ ढक्कन भी हवा में उछलने के साथ यहां पर आग ने जोर पकड़ा था। जो ये हवा में उछले ढक्कन के कारण फायर ब्रिगेड के वाहन को भी भारी नुकसान पहुंचा था। तो वहीं गटर में आग लगने की घटना प्रकाश में आते हुए स्थानीय विस्तार में भारी अफरा तफरी और घबराहट का माहौल पैदा हुआ। ड्रेनेज लाइन में बायोगैस उत्पन्न होने के बाद अचानक से आग लगी थी। फायर ब्रिगेड को इस बात की जानकारी देते हुए फायर अधिकारी निकुंज आजाद सहित उनके टीम द्वारा स्थल पर पहुंचने के साथ आग पर काबू लेने की कोशिश की गई, लेकिन ड्रेनेज से बाहर निकलने वाले वैसे बायोगैस का प्रेशर दबाव इतना था कि ढक्कन हवा में उछलने के साथ आग और भी भेदी और भीषण बनने लगी। तो वही ये ढक्कन के कारण फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी नुकसान पहुंचते हुए फायर ब्रिगेड के वाहन के पीछे भी एक वक्त के लिए आग की ज्वालाएं लपेट में आने के साथ एक कुतूहल देखने को मिला था। आग की जानकारी के बाद पुलिस काफिला भी घटनास्थल पर पहुंचते हुए बचाव कामगिरी जारी की गई थी। तो वहीं इस प्रकार से लगी भेदी आग की दुर्घटना अंतर्गत कोई भी जान हानि की खबर नहीं है। अलकापुरी विस्तार नी अंदर वडोदरा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस कंट्रोल रूम में गटर लाइन नी अंदर गैस लीकेज नो मैसेज मरता वड़ी वाड़ी फायर स्टेशन नी टीम घटनास्थल पर आवी ड्रेनेज लाइन जे आपणो ड्रेनेज लाइन होय एनी पर बायोगैस पैदा थतो होय छे અને એના કારણે અન્ય કારણસર એની અંદર ફાયર થતા ઘટનાસ્થળ પર આવી કામગીરી કરી તેને કંટ્રોલ કરે છે। ફાયરની ગાડીને બી નુકસાન થયું છે, થોડું નુકસાન થયું છે ફાયરને, કેમ કે ગેસ લાઇન જે ગટરની જે લાઇન રહેતી હતી એ લાઇનને કટ કરતા આગળ બીજું જે ગટરનું ઢાંકણું જે રહેલું હતું એની અંદરથી ફ્યુમ બહાર નીકળવા માંડી અને એના કારણે થોડું ડેમેજ થયું છે। કેટલી ગાડીઓ આપણે આવી હતી? આપણે અહીંયા ટોટલ 6 ગાડીઓ અત્યારે સ્ટેન્ડ બાય છે। શું નામ સર આપનું? નિકુંજ આઝાદ, ફાયર ઓફિસર, વડોદરા ફાયર સર્વિસ।